एक तरफ कोहरे की मार है तो दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। जैसे तैसे लोगों ने इस जलती बस से निकलकर अपनी जान बचाई। अमरपाटन से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है, वहीं दूसरी खबर रीवा से अमरपाटन की ओर आ रही सवारी बस में अचानक आग लगने की है। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि बस में बैठे लोग संकट में आ गए। ऐसे में लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और बर्निंग बस को रुकवा कर बस से नीचे उतर गए। इस हादसे में किसी तरह की कोई बड़ी हानि या जनहानि नहीं हुई है। ये मामला भी बस के ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने का है, परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं और अनफिट बसें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये हादसा NH 30 पर ग्राम अहिर गांव के पास का हुआ है। अमरपाटन में आपको दूसरी खबर बता दें कि अमरपाटन में पिछले एक हफ्ते से कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने लगी है, वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, सूरज देवता के लोगों को दर्शन नसीब नहीं हो पा रहे हैं। शाम से ही रात जैसा अंधेरा दिखाई देने लगता है। लोग ठंड और ठिठुरन व शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। काफी ठंडी लग रही है, काफी कोहरा छाया हुआ है। कोहरा तो करीब 10 दिन से छाया हुआ है। आग का सहारा लेते हैं, कपड़े का सहारा लेते हैं। ठंड तो इस टाइम में बहुत ज्यादा है, इससे काम काज में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। मरीज भी कम आ रहे हैं इस टाइम पे कोहरे को देखते हुए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बीमारियाँ भी धीरे धीरे फैलेंगी इससे। इससे बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इतनी ठंड पड़ रही है तो कम से कम ही निकलते हैं। वो काम काज तो चलता ही रहेगा, काम काज करते हैं। बहुत ठंड पड़ रही, लगता है घर में घुसे रहे हैं, निकले ना। कोहरा बहुत गिरता है, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत पानी गिर रहा है, सुबह से पानी गिर रहा है। कार में आदमी नहीं दिख रहे हैं, सब आग ताप रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।